उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार रात भारी बारिश के कारण गैरसैंण कर्णप्रयाग NH-109 का एक हिस्सा पानी में बह गया। गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ लोग और गाड़ियां दिख रही हैं। बारिश और भूस्खलन का असर उत्तराखंड के गाँव के इलाकों में खूब देखने को मिल रहा है। यहां बीते दिन बंद 306 गांव की सड़कों में से मात्र 47 ही खुल पाई हैं। बता दें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दो दिन बारिश से राहत मिलने के बाद अब एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है।